ओम महालक्ष्मण महा निशिते निशिये वरदा लक्ष्मी को जागृति भाषिणी जगति भ्रमते तस्या लोकचेष्टावलोकिनी तस्मै वित्त प्रयच्छामि यो जागृति महितले। आज के दिन पूर्णिमा का उत्सव है, शरद ऋतु के अश्विन शुद्ध मास में ये पूर्णिमा कोजागिरी पूर्णिमा कहलाती है। इसे वात्स्यायन मुनि ने कौमुदी जागर बोल के पुकारा है। वामन पुराण के अनुसार इसको दीपदान जागर पूर्णिमा बोल के इसका नामोल्लेख किया है। पुराणों के और हिंदू धर्म संस्कृति के मान्यता के अनुसार आज के दिन चंद्रमंडल से लक्ष्मी साक्षात धरणी तल पर अवतरित होती है और कोजागृति जो आदमी जागा है उसके यहाँ अष्टलक्ष्मी बोल के ये लक्ष्मी आके उसको वरदान देती है, उस आदमी पे कृपा करती है। इस वास्ते आज के दिन सब आदमी को जागृति ऐसा पुकारती है लक्ष्मी, और जो सोया है उसके यहाँ लक्ष्मी ठहरती नहीं। भवानीम तो महालक्ष्मी सर्व काम प्रदायिनी सुपूजिता प्रसन्नास्या महालक्ष्मी नमस्तुते। आज के दिन महालक्ष्मी की पूजा किया जाता है क्योंकि देव और असुर ये दोनों ने मिला के ये सागर का मंथन किया था और इससे 14 रत्न निकले थे। इसमें से लक्ष्मी का प्रगटीकरण हुआ। आज के दिन लक्ष्मी का समुद्र से सागर से जन्म हुआ। इस वास्ते लक्ष्मी की पूजा किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि आज की पूर्णिमा के दिन चंद्रमा 16 कला परिपूर्ण ऐसा प्रफुल्लित रहता है। चंद्रमा से अमृत स्रवण हो जाता है। ऐसे बोलते हैं कि आज के दिन भगवान श्री कृष्ण भगवान शुकाचार्य जी ये अपने श्लोक में भागवत में बताते हैं, भगवान तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरंतु मणश्चक्र योग माया मुपाश्रिता। आज के दिन ही रास रसैया जो भगवान श्री कृष्ण है इन्होंने आज के ही दिन रास रची और वो महारास के समय रसोवय सहा मंजे हाँ इसे ऐसा बोलते हैं कि रस जो है वो भक्ति का जो रस है वो रस निचोड़ के महारस बनाई और इसमें भगवान श्री कृष्ण ने वेणु बजाया। निशिम्मे गीत तदाणंग वर्धनम व्रज स्त्रिया कृष्ण गृहित मानसा। भगवान शुकाचार्य जी कहते हैं निशिम्मे गीतम तदाणंग वर्धनम, ऐसा बोलते हैं कि भगवान ने वेणु बजाई, जब वेणु बजी तो पूरा गूंज उठा वृंदावन ब्रजभूमि गूंज उठी। और उस समय जो व्रज स्त्रियाँ वह अपने अपने घरों में काम करती, काम में लगता था, जब वेणु का नाद उन्होंने सुना परिणाम ऐसा हो गया सब वेणु के नाद से मोहित हो गया और ये व्रज स्त्रियाँ व्रजबाला मोहित होने से भगवान के पास चली गई और रास रची और ये रास में भगवान ने शुद्धा रति प्रीति रति सख्य रति वात्सल्य रति प्रियता ये सब उनको दे दिया। इतना आनंद मिला कि वो आनंद इसको महारास बोलते हैं और अपनी जो वृत्ति है सब भगवान को लगा दिया।
ये व्रज स्त्रियाँ व्रज बाला जो है इन्होंने भगवान के पास जाके मिलन हो गया। ऐसा कहते हैं कि भगवान वेणु बजाते समय महारास के समय भगवान कृष्ण ने भैरव मेघमल्लार दीपराग मालकंस श्रीराग हिंदोल आदि रागों से गीत गा के वेणु गीत सबको मालूम है जयति त्याधिकम रास क्रीडे में भी ऐसा कहते हैं जयति त्याधिकम जन्मणा व्रजम ऐसा महारस रचाया। और आज के दिन इसका उत्सव कोजागिरी बोल के करते हैं। जय श्री कृष्ण।